गवर्नमेंट आध्यात्म की बात करती हैं ये गवर्नमेंटें, और सातों दिन दुकानें खुलवाती हैं। कोई लिमिट नहीं है टाइम करने की। ओवर टाइम नाम की चीज होनी नहीं चाहिए, ओवर टाइम नाम की चीज होनी नहीं चाहिए। ये सब इस इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी का थर्ड क्लास बेड़ा गर्क। अनएम्प्लॉयमेंट है किस लिए है? मैं एक बार पहले लेक्चर दिया करता दिशा टीवी पे, तो मैंने कहा था मैंने 50 साल की उम्र में रिटायर कर देना चाहिए। अगर 50 साल की उम्र में रिटायर कर दोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। पिता ही अपने बच्चे के एम्प्लॉयमेंट खा जाता है। 50 साल का हुआ बच्चा, 25 साल का हुआ तैयार है एम्प्लॉयमेंट के लिए, पिता 65-70 साल जाग जाएगा, 20 साल नौकरी गई उसकी, 45 साल में बेचारा ना तो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। मेरे कई बुजुर्गों ने लिखा आपका आइडिया परफेक्ट है कुछ, मैंने मेरा आइडिया नहीं है शास्त्रों का आइडिया है। वो कहते हैं 50 साल की उम्र में रिटायर, क्या प्रभु जी अनएम्प्लॉयमेंट 5 मिनट में खत्म। प्रीवियस जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन का खा गई नौकरी। हमारे वेद परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। जनरेशन गैप खत्म हो जाएगा, झगड़े टंटे खत्म हो जाएंगे। आज मैं कह नहीं सकता, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। शास्त्र कहते हैं माताओं को नौकरी नहीं करनी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। मैं इसको बात को क्या करूं, आज कहूंगा तो मानेगा कोई है नहीं। तो मैं तो ये कहता हूँ घर के अंदर एक ही व्यक्ति को काम करना चाहिए। क्या यहाँ पता लगा घर के अंदर 5 लोग 4 लोग 3 लोग काम कर रहे हैं, दूसरों की नौकरी खा गए बेचारे, जिसके पास के घर के अंदर रोटी तक नहीं आ रही क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है। और तुम एक्स्ट्रा पैसे क्यों ला रहे हो कि उससे ऐयाशी कर सको। मैं साफ कहता हूँ प्रभु, इंद्र तृप्ति के लिए लाते हो लोन, फिर लोन चुकाने के लिए बीवी भी काम करेगी, लड़की भी करेगी, लड़का भी करेगा, सब करेंगे काम। किस लिए? इंद्र तृप्ति के लिए। और उसी लिए इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाती है। जब मार्केट में पैसा ज्यादा आता है ना प्रभु जी, चीजें भाव बढ़ती है। जो इकोनॉमिक्स जानते हैं इस बात को जानते हैं अच्छी तरह। अरे हमारे वेद जो बात करते हैं परफेक्ट बात करते हैं। ये तो मैंने 2 मिनट का बताया है, अभी तो 62 था, फिर 63, फिर 64, फिर 65। बैठा है बच्चा देख रहा है बाप कब जाए तो मैं आऊं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में होता है प्रभु जी, बेटा इंतजार कर रहा है पिता जाएगा तो चेयरमैन बनूंगा। क्या ये तो मैं हूं सिर्फ चेयर के बगैर, क्या हूं मैं? ये मूढ़ा है, ये सब क्या है? मूढ़ा है सब, सब मूढ़े हैं। आपको भी क्या बना रहे हैं? गधा। और आप बन रहे हो, बनो। आज किसी चीज की जरूरत नहीं, आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है। इसका कहीं और हल है ही नहीं। मैंने बड़े बड़े इस पे बात करी है, जो सोशल दार्शनिक होते हैं ना, सोशल क्या होना चाहिए होना चाहिए। सिंपल रखो ना, पहला काम करो 50 साल में रिटायर। बोले लोन नहीं ले पाएगा कोई, क्योंकि लोन तो 20 साल का 25 साल है जी। आज जितने गाड़ी चला रहे हैं ये लायक हैं गाड़ी के लेने के? लोन का मतलब क्या होता है? आप लायक नहीं हो उसके, समझ गए? लोन का सिंपल मतलब होता है कि आप उसके लायक नहीं हो। तो आप तो लायक बनना चाहते हो, क्या लेके? उधारी। इससे बड़ी कोई ना बीमारी, इसको लग गई उधारी, कैंसर से गया गुजरा है। तो अपने जीवन में पहला काम तो करो, उधारी मत लेना कभी। जैसे हमारे पास कई बार आते हैं कि साहब वो ससुर लगाए पीछे के उधारी से ले ले फ्लैट, मैंने तेरे फंसाने के चक्कर गलती से मत लियो। बैंक मैनेजर था अंबाला के अंदर, सरदार जी थे हमारे बैंक का, बोले मेरे फादर कह रहे हैं कि लोन ले। बोले तू क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ लोन ही। मैंने मत लियो गलती से नहीं। मैं बैंक वाले मैनेजर को बोला, मैंने कहा मूर्ख मत बनियो, किराए पे रहे जब तक तेरा पैसा नहीं, रेट गिर जाएंगे सारे। क्या गिर जाएंगे? अगर लोन उदाहरण के तौर पर लोन बंद कर दिया जाए, रेट ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे? प्रभु बताना दे रहा हूँ, हम जी किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला करते हैं। बदमाश लोन लेके तूने 2 को मरवा दिया। मैं बता रहा हूँ प्रभु जी, मेरे से डिस्कशन करो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आज मुझे हजारों लोग सुन रहे होंगे इस पे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इन इकोनॉमिस्ट को, इंडिया के और वर्ल्ड के। वेदों को फॉलो करोगे जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ते चले जाओगे। इनको मूढ़ा कहा है भगवान ने, क्या कहा है? मूढ़ा है ये, गधा बना रहे हैं। इसलिए गधे मत बनो, क्या बनो? मनुष्य।